Good evening. The topic for today's session is probability rule of addition. In our previous videos, हमने probability rule of multiplication की बात की है और उससे related video मेरे YouTube channel पर uploaded है. Probability. As we know, probability is used in a variety of daily life events and probability talks about possibility or chance. Weather forecast, batting average, politics, insurance and lottery tickets are examples where probability fundamentals are used to calculate the outcome of an event. Therefore, the term probability can substitute the word uncertainty. For example, if we toss a coin, so what will be the probability that we will get a head or what will be the probability that we will get tails? मतलब अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं एक बार तो हेड्स आएगा या टेल्स, इन दोनों के में से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज इक्वल टू 1/2. दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, हेड्स या टेल्स, तो इसलिए और हेड्स इसमें से एक आउटकम है, सो इसलिए 1/2. उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. टू इसलिए हेड्स और टेल्स ये दो आउटकम है और हम किसी एक आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेड या टेल, तो प्रोबेबिलिटी हेड्स के आने की या टेल्स के आने की इज 1/2. टू और मोर इवेंट्स और उनके आउटकम्स, जब कोई दो इवेंट्स के आउटकम को हम साथ में मेजर करना चाहते हैं, देन वी यूज प्रोबेबिलिटी रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए एक अलग से वीडियो अपलोडेड है मेरी वेबसाइट पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ एडिशन और उन्हें कब अप्लाई किया जाता है. तो जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट साथ में हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक डाइस को रोल किया और कॉइन को टॉस किया. If we have rolled a dice and tossed a coin, so what is the probability that we will get a head or a five? हमारी probability जो हमें यहाँ calculate करनी है talks about head चाहिए या five. दोनों में से कोई एक भी आएगा तो हम इस condition को satisfy कर देंगे. So दो events हो रहे हैं लेकिन दो event के जो दो अलग अलग outcomes हैं, head कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है और डाइस को रोल करने पर वन से लेके सिक्स तक में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है. तो हम प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हेड या फाइव के आने की प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन में क्या है. इसका आंसर हम वीडियो के एंड में देखेंगे, अभी पहले हम रूल समझते हैं. प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एडिशन रूल एंड रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एडिशन रूल फिर से डिवाइडेड है दो अलग अलग इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट्स के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स. मल्टीप्लीकेशन रूल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है. एडिशन रूल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन में या जिस वर्ड को हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में, दैट इज और, जैसे हमारे सैम्पल क्वेश्चन में था हेड और फाइव. सो यूजुअली क्वेश्चन में हम वर्ड यूज करते हैं और जब हम डिस्क्राइब करते हैं एडिशन रूल्स की आउटकम्स को. और मीन्स दैट द आउटकम हैज टू सेटिस्फाई वन कंडीशन और द अदर कंडीशन और बोथ एट द सेम टाइम. और का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में और यूज किया है तो आउटकम में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. दैट मींस पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो हेड या फाइव दोनों में से कोई सा भी एक आ जाएगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाए, हेड भी आ जाए और फाइव भी आ जाए, तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. सो और को हम डिनोट करते हैं विद दिस यू सिंबल, जिसे हम यूनियन का सिंबल भी बोलते हैं. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में एडिशन रूल एप्लीकेबल है. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, इनकी बात करते हैं हम. इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर. उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं जो साथ में नहीं हो सकते. दैट मीन्स
Two events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes the possibility of the occurrence of the other. टू इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब एक इवेंट या एक रिजल्ट आ जाता है तो फिर दूसरे के आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तब दूसरा ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। ये हम एक ही साथ सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे पूछा था कि हम जब उछाल रहे हैं तो कॉइन और डाइस दोनों को साथ में उछाल रहे हैं और दोनों के ऑब्जर्वेशन को एक ही बार में देख रहे हैं, सिंगल ऑब्जर्वेशन, अलग अलग नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर किसी कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दैट मीन्स हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। ये हम सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जब हमने कॉइन को एक ही बार उछाला है, तो या तो हेड आएगा या टेल। हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम किसी रास्ते से जा रहे हैं तो या तो हम लेफ्ट टर्न ले सकते हैं या राइट। अगर हमने लेफ्ट टर्न ले लिया उस जगह पर, उस मोड़ पर, तो फिर राइट नहीं जाएंगे। सो इस टाइप की इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और यहाँ पर एडिशन का रूल एप्लीकेबल होता है। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पर और टर्म यूज करते हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे तो हमें इन दोनों की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। लेट अस, when two events call them A and B are mutually exclusive, it is impossible for them to happen together. दोनों साथ में नहीं हो सकती, that means probability of A and B दोनों का साथ में होना is equal to zero. So the probability of event A and B together equals zero या impossible है। अब इसे हम एक example से समझते हैं। Pulling out king or queen from a deck of 52 cards in one attempt. एक ही बार एक 52 कार्ड्स का डेक है जिसमें से हमें एक कार्ड निकालना है। अब वो कार्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि वो किंग है या क्वीन, तो और यहां पर यूज किया है। सो अगर हम एक बार कार्ड निकाल रहे हैं तो अगर वो किंग आ गया तो क्वीन नहीं हो सकता, क्वीन आया तो किंग नहीं हो सकता, या कोई और दूसरा कार्ड आ गया तो इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। सो अ कार्ड कैन नॉट बी किंग और क्वीन एट द सेम टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे कि एक कार्ड के डेक में 52 कार्ड्स हैं और हम सिर्फ एक कार्ड निकाल रहे हैं एक बार में। सो पुलिंग आउट किंग और क्वीन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स एक अटेम्प्ट में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और क्वीन इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज 4/52। एक डेक में चार किंग्स हैं और 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कि हम जब कार्ड बाहर निकालें एक कार्ड को तो उसमें वो किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 4/52। उसी तरीके से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज ऑल्सो 4/52। एक बार निकाला हमने तो अगर वो क्वीन है तो क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी इज 4/52। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी कि किंग आए तो भी चलेगा, क्वीन आए तो भी चलेगा, तो किंग या क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4/52 + 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इज इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इवेंट बी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को एड अप किया, सो द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी विल बी 8/52। तो देयर आर चांसेस कि किंग या क्वीन के आने के चांसेस इज 8/52। So this is combined probability using addition theorem. Since this is an or situation, or A ya B, situation where the events are mutually exclusive, we can apply the sum rule when we get a dominant phenotype. इसी को हम biological examples में dominant phenotype के लिए भी हम use कर सकते हैं. So if there is a father plant, pea plant for purple flower, which is heterozygous having alleles capital B and small b,
सिमिलरली मदर भी हेटरोजाइगस है पर्पल फ्लावर के लिए कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट अ डोमिनेंट फिनोटाइप. सो वी कैन गेट अ डोमिनेंट फिनोटाइप व्हेन इट इज कैपिटल बी एलील इन द ऑफस्प्रिंग और कैपिटल बी स्मॉल बी एलील इन द ऑफस्प्रिंग. तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को हम एडअप करेंगे होमोजाइगस कंडीशन के भी एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन के भी. तो और दोनों ही केसेस में डोमिनेंट फिनोटाइप हमें मिलते हैं. सो 1/4 चांस इज गेटिंग कैपिटल बी अलील फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर एंड देर आर 1/4 चांस ऑफ गेटिंग कैपिटल बी एंड स्मॉल बी अलील फ्रॉम फादर में हेट्रोजाइगस कंडीशन में. 1/4 चांस यहाँ पर. तो ये 1/4, 1/4 एंड 1/4 एडअप होके बना देते हैं और कंडीशन को एडअप करवाते हैं एंड देर आर 3/4 चांसेस दैट वी विल गेट अ डोमिनेंट फिनोटाइप. तो यहाँ पर और इन तीनों ही और कंडीशन में वी गेट अ डोमिनेंट फिनोटाइप. तो ये प्रोबेबिलिटीज एडअप होके द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इन दिस क्रॉस इज 3/4. सिमिलरली म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स जहां पर सेकेंड आस्पेक्ट जहां पर प्रोबेबिलिटी का रूल ऑफ एडिशन एप्लीकेबल होता है दैट इज टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हेन दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन आउटकम बिटवीन देम. दोनों ही इवेंट्स को म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव तब बोलते हैं जब इनके बीच में कोई एक आउटकम ऐसा है जो कि कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल द इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ वन अनदर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द इवेंट्स ए एंड बी हैव समथिंग कॉमन इन देम. ए और बी दोनों इवेंट्स यहाँ पर साथ में हो सकती हैं, वो नॉन एक्सक्लूसिव हैं, उनके जो इवेंट्स के आउटकम हैं वो कॉमन हो सकते हैं. इवेंट्स यहाँ पर भी हम सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, इवेंट्स अकरिंग सिंगल ऑब्जर्वेशन. सो एडिशन थ्योरम में म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए और बी की वो हम कैलकुलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इज पी ए इंटरसेक्शन पी. सो वी यूज दिस सिंबल. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैप. इन दोनों के साथ में की होने की जो इवेंट्स है अकरिंग कॉमन आउटकम है उसको हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ drawing a card from a stack of 52 cards and getting a queen or a card having heart shape. So यहाँ पर एक example हम देखते हैं जिसमें हम एक 52 cards के deck में से एक card निकालते हैं और इस बात की probability calculate करना चाहते हैं कि वो card queen हो या कोई heart का card हो. So queen के आने की probability is 4/52. एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स में चार क्वीन होती हैं और फोर क्वींस टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. तो 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी कि हम जो एक कार्ड निकालेंगे वो क्वीन कार्ड होगा. उसी तरीके से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड इज 13/52. एक डेक ऑफ कार्ड में 13 हार्ट शेप कार्ड्स होते हैं. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो हार्ट का हो दैट इज 13/52. दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हार्ट कार्ड जिसमें क्वीन भी हो और वह हार्ट की क्वीन हो दैट इज प्रोबेबिलिटीज. ऐसा सिर्फ एक कार्ड होता है डेक ऑफ 52 कार्ड्स में. सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/52. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन और हार्ट कार्ड विल बी हम यहां पर एडिशन रूल अप्लाई करेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज 4/52. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट कार्ड इज 13/52. इन दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी इज 1/52. क्वीन ऑफ हार्ट के कार्ड की प्रोबेबिलिटी इज 1/52. जिसे हम माइनस करेंगे सो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 16/52. So we can summarize the find to find the probability of event A or B. We have to first determine ki event mutually exclusive hai ya non-exclusive. Addition rule mutually exclusive ke liye simple hai. Probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B. Addition rule
जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर एप्लीकेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड. सो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इफ आई रोल अ डाइस एंड टॉस अ कॉइन, उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी हेड या फाइव के आने की क्या होगी. सो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, फाइव के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6. ठीक है, हेड या टेल दो में से कोई भी एक आ सकता है, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2. डाइस को जब हम रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 5 पूरे डाइस में एक बार होता है, तो 1/6, तो इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी इज 2/3. यहां पर हमने रूल ऑफ एडिशन यूज किया. थैंक यू.